Good morning all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 4.3, whose topic is whose question: find the roots of the following quadratic equation by applying the quadratic formula. Sir, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हम यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करते हैं. इतना क्लियर है? दैट वन डी फाइंड करते हैं. डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और जो डी होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. और ये डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या डी का आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, या डी इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है होता है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअल में हमारे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती थी उसका फॉर्मूला होता था बाय द फॉर्मूला मेथड. तो जैसे एक्स है तो एक्स इक्वल्स हो जाता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. तो हम इसी में देखेंगे टू रूट्स हैं सर, एक अल्फा और एक बीटा. तो सपोज अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट. अब देखो, अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टू ए. ये अल्फा सेकंड बीटा इक्वल सपोज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए. तो ये क्या है, ये फॉर्मूला हो जाता है. क्या है कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट वन आपको क्या करना है, कि फर्स्ट वन आपको सपोज कर लेना है. कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहती है, हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करें. किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसका आंसर अगर डी ग्रेटर देन होता है जीरो से तो वहाँ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव हो जाएगा तो वहाँ रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो उस वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, कोई अगर इक्वेशन एक्स के फॉर्म में तो एक्स आएगा, वाई के फॉर्म में तो वाई आएगा. तो हमने सपोज कर लिया रूट से अल्फा और बीटा, फर्स्ट वन माइनस प्लस साइन फिर माइनस साइन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड होती है, और इस पर 20 क्वेश्चंस हम फाइंड करते हैं. क्लियर? चलिए, अब इसी टाइप के अब ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी कभार इसके रूट्स भी डिस्कस किए जाते हैं, रूट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा. वन मिनट सर, इसके नेचर आप रूट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसी पर कर लेते हैं, इसको नोट भी करते चलना आपको. हाँ, ये तो कंडीशन है कि कोई अगर डी, फर्स्ट केस क्वाड्रेटिक डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसके जो रूट्स होंगे तो हमने अभी देख चुके हैं, नोट कर लेना, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, और बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, सॉरी नॉट अ माइनस हो जाएगा, टू ए, वेयर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. सेकेंड केस है डी इक्वल्स टू जीरो. डी इक्वल्स टू जीरो के केस में या तो हम एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है तो एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन टू ए. रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए. और थर्ड जो केस आता है डी लेस देन जीरो, हैज नो रियल रूट. क्या होता हैज नो रियल. ठीक है, अब
इसी पर बेस हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको हमने क्लियर कर दिया है कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट वन कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी सी का। दैट वन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, वो डी जो है ग्रेटर देन जीरो है देन वन रियल रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं और वहाँ पर जो वैल्यूज होंगी रूट्स की अल्फा इक्वल्स टू एंड बीटा इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? और अगर इन केस डी का वैल्यू जीरो होता है तो हुज रूट्स आर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। आप इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डी का वैल्यू अगर जीरो भी आ रहा है तो अभी आप इसी केस से जाएंगे तो आपकी यही सिचुएशन, क्योंकि डी का वैल्यू जीरो तो माइनस बी अपॉन क्या हो गया टू ए हो गया। अब डी का वैल्यू अगर यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो मैं माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए सिमिलर आएंगे ना, क्योंकि रियल रूट होते हैं इक्वल रियल रूट। एक्चुअल में डी इक्वल्स टू जीरो देन वन इक्वल रियल रूट। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।